डियर टीचर कलीग्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पीके वर्मा आज आपके बीच बायोटेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इस डिस्कशन में हम लोग इस सब्जेक्ट को पूरी तरह समझने के लिए किन बातों की ज़रूरत है, किस तरह का बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, इनको डिस्कस करेंगे। यह विषय बड़ा ही टेक्निकल विषय है जिसके लिए हमारे पास थ्योरी की जानकारी और लेबोरेटरी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी की जानकारी दोनों आवश्यक है। इसलिए थ्योरी भी एक प्रकार से एक्सपेरिमेंटल वर्क की तरह, प्रायोगिक क्रियाओं की तरह ही होता है। तो सबसे पहले हम लोग समझें कि यह सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। तो कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी जिसके द्वारा मनुष्य के लिए उपयोगी सूक्ष्म जीव, प्लांट और एनिमल्स इत्यादि की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती हो, बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। अगर हम दूध से दही बनाते हैं या शुगर के सॉल्यूशन से अल्कोहल बनाते हैं तो यह भी अपने आप में एक एंशियंट टेक्नोलॉजी ही है। अब इसे परिभाषित करने के लिए पॉपुलर डिफिनेशन दिया गया कि इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स टू द प्रोसेसिंग ऑफ मटेरियल्स बाय बायोलॉजिकल एजेंट्स टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। क्या इसका मतलब हुआ? तो जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, प्लांट, एनिमल और सूक्ष्म जीव, इन सभी का मनुष्य के लाभ के लिए, मनुष्य की सेवा के लिए कैसे इसका एप्लीकेशन बढ़ाया जा सकता है, इसके वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स को बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने प्राचीन और नवीन दोनों विचारों को जोड़ते हुए कहा कि द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म सेल्स पार्ट्स देयर ऑफ एंड मोलेकुलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू मैनकाइंड इज बायोटेक्नोलॉजी। क्या उन्होंने कहा कि बायोलॉजी के सभी एस्पेक्ट का अध्ययन करके, उनमें बायोकेमिस्ट्री, मोलेकुलर बायोलॉजी, उन सब को जोड़कर, सेल्स और उनकी क्रियाओं को समझकर, जब हम मानव के कल्याण के लिए अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे तो वह बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा। यानी बायोटेक्नोलॉजी के अध्ययन के बाद हमारे अंदर एक निश्चय होना चाहिए कि इसका उपयोग हम मानव कल्याण के लिए करेंगे, मानव विनाश के लिए नहीं करेंगे। अब इसके लिए जरूरी है कि आप दुनिया में पाए जाने वाले सभी सूक्ष्म जीव, प्लांट और एनिमल्स की जानकारी रखें, कौन लाभदायक है, कौन हानिकारक है, किसके क्या क्या लक्षण हैं, उन लक्षणों में हमारे लिए कोई लाभदायक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, सेल बायोलॉजी को अच्छी तरह से जानें, सेल की क्रिया को, सेल फिजियोलॉजी को समझें, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स और मोलेकुलर बायोलॉजी की जानकारी हो, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी, रोगों से बचाव के लिए इम्यूनोलॉजी इत्यादि का ज्ञान हो, यानी बायोलॉजी के हर फील्ड का हमें थोरो नॉलेज होना जरूरी है। और तभी हम इसका उपयोग भोजन के रूप में उपयोगिता बढ़ाने के लिए, फसल के सुधार के लिए, जो पालतू एनिमल हैं, गाय, भैंस, बकरियां, मुर्गे इत्यादि, मछली इत्यादि,
उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनमें रोग से लड़ने की क्षमता विकसित कराने के लिए, किसी तरह का अगर जेनेटिक डिजीज है, अनुवांशिक रोग है, तो उसके नियंत्रण के लिए, और तो और वातावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण पर इन जीवों का उपयोग करते हुए प्रदूषण नियंत्रण कैसे हो सकता है, ये सभी एस्पेक्ट ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी का। आज तक हम लोग बार बार प्लांट एनिमल और सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते रहे हैं, लेकिन उसकी बृहद जानकारी 20वीं शताब्दी के पहले नहीं थी। लोग सिंपली वर्ण संकरण के द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा फसल और पशुओं का नस्ल सुधार किया करते थे। उसमें अच्छे बुरे सब तरह के गुणों का समावेश होता था। कई प्रयोग के बाद कोई कोई प्रोडक्ट अच्छा निकलता था, फिर उसका हम संख्या बढ़ाकर टेस्ट करते थे, उपयोगिता जांचते थे, तब उसका उपयोग करते थे। यानी कि एक लंबी प्रक्रिया हो जाती थी, लेकिन आज के समय में हम एक कमज़ोर, एक ख़राब जीन को एक अच्छे और काम लायक जीन को चुनकर अदला बदली कर सकते हैं। तो इस तरह से सेलेक्टेड जीन के परिवर्तन को जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी नाम दिया गया। मोटे तौर पर जब हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं तो हमारा ध्यान जेनेटिक इंजीनियरिंग के पास ही पहुंचता है। हम उसी का उपयोग करते हुए बायोटेक्नोलॉजी से लाभ उठा सकते हैं। अब देखिए कैसे रिसर्चेज का प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहले काइम विजमैन नाम के वैज्ञानिक ने क्लॉस्ट्रीडियम एसिटाब्यूटाइलिकम नाम के बैक्टीरिया का उपयोग किया, उसे ब्यूटेनॉल और एसीटोन बनाया। इससे लोगों के मन में अचानक एक ख्याल आया कि इन सूक्ष्म जीवों को, जिनसे हम मोटे तौर पर डरते थे, उनका उपयोग हम ह्यूमन वेलफेयर में, विभिन्न केमिकल के निर्माण में कर सकते हैं। इसके बाद अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम से पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन निकाला। आज हमारे बाजार में बहुत सारे एंटीबायोटिक हैं, लेकिन 1936 में जब कमर्शियल लेवल पर, व्यापारिक स्तर पर काफ़ी सारा पेनिसिलिन का निर्माण किया गया इस फंगस की मदद से, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में हजारों सैनिकों की जान बचाई गई। आप समझ सकते हैं कि अचानक कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हमारे मेडिकल साइंस में आया। अब डीएनए के विषय में लोगों को बहुत कम जानकारी थी। सबसे पहले 1928 में ग्रिफिथ ने बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन प्रतिक्रिया देखा, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन देखा, उसे ग्रिफिथ रिएक्शन भी कहा जाता है। किसके कारण यह रूप परिवर्तन हुआ, लक्षण क्यों बदले, इस चीज को प्रमाणित किया 1944 में एवरी मैकलियॉड और मैकार्थी ने। उन्होंने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लक्षणों को धारण करने वाला जीन प्रोटीन का नहीं बल्कि डीएनए का बना हुआ है। तो जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल होने का प्रमाण मिला तो डीएनए के रास्ते पर नए नए खोज का सिलसिला प्रारंभ हुआ। रोजालिन फ्रैंकलिन, वाटसन, क्रिक, विल्किंस, इन लोगों ने डीएनए की रचना और उसके निर्माण की विधि, सेमी कंजर्वेटिव रिप्लिकेशन की खोज किया। उसके बाद बैक्टीरिया में कंजुगेशन की खोज किया लीडरबग और टाटम ने 1946 में। बैक्टीरिया में पलने वाले वायरस, बैक्टीरियोफाज का जीवन चक्र हर्सी और चेज ने 1952 में देखा। उन्होंने लाइटिक और लाइसोजेनिक बैक्टीरियोफाजेज की विशेषताओं का वर्णन किया।
इन वायरसेज में भी डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके बाद ट्रांसडक्शन की खोज हुई जिंडर और लीडरबर्ग में। जिंडर और लीडरबर्ग ने 1952 में समझाया कि वायरस भी एक बैक्टीरिया के जीन को दूसरे बैक्टीरिया के अंदर पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं। तो वायरस के द्वारा जीन के ट्रांसफर को ट्रांसडक्शन कहा गया। इसके बाद डीएनए कैसे काम करता है। डीएनए से आरएनए बनता है तो सूचनाएं कैसे आती जाती हैं। तो जेनेटिक कोड की खोज किया हॉली, नीडेनबर्ग और खुराना ने 1961 में। इसके लिए उन्हें 68 में नोबेल प्राइज भी मिला। अब डीएनए के निर्माण से संबंधित एंजाइम्स की खोज का समय आया। कॉर्नबर्ग, कायर्न्स और डिल्यूसिया ने डीएनए पॉलीमरेज 1, 2 और 3, ये तीन अलग अलग पॉलीमरेज की खोज बैक्टीरिया में किया। जैकब और मोनोड ने जीन की सूक्ष्म रचना, उसके कंट्रोल रेगुलेशन होने का तरीका लैक्टोज ओपेरॉन के रूप में खोजा। कैसे यह ऑफ या ऑन हो सकता है, इस बात का डिटेल जैकब और मोनोड ने अपने मॉडल में समझाया। एक एंजाइम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, यह डीएनए को विशेष जगहों पर ही काटकर दो टुकड़ों में तोड़ता है। इसकी खोज आर्बर, स्मिथ और नथान्स ने 1970 में किया। एक दूसरा एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, जिसकी खोज टेमिन और बाल्टीमोर ने 1970 में किया। और लेबोरेटरी में डीएनए की बहुत सारी कॉपीज के निर्माण का एक विधि है जिसे कहते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे डेवलप किया कारी मुलिस ने 1983 में। तो इन सब की मदद से जब हम एक जाने पहचाने जीन वाले डीएनए को आइसोलेट करते हैं, किसी एक स्पेसीज या किसी एक वैरायटी से निकालते हैं, उसकी कॉपीज बनाते हैं और फिर उस कॉपी को दूसरे किसी में डालते हैं, तो इस तरह की प्रक्रिया को कहा जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। सबसे पहले कोहेन और बॉयर नाम के वैज्ञानिक ने साल्मोनेला टाइफीमूरियम से एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को बाहर निकाला और उसे इस्चिरिचिया कोलाई में डाला। तो अगर एक स्पेसीज का जीन दूसरे स्पेसीज में डाला जाए तो दूसरे स्पेसीज को, जिसमें अन्य स्पेसीज का जीन काम करने लगा है, उसे ट्रांसजेनिक कहा जाएगा या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहा जाएगा। अगर वह प्लांट है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट कहेंगे, एनिमल है तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल कहेंगे। अब इस तरह बायोटेक्नोलॉजी का उद्देश्य हुआ कि अच्छे वैरायटी का क्रॉप तैयार करना, बेहतरीन प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु इत्यादि की खोज करना, उसका केमिकल्स के निर्माण में, दवाइयों के निर्माण में उपयोग में लाना। अगर कोई पोल्ट्री है, गाय भैंस जैसा एनिमल है, गोट है, शिप है, तो अधिक से अधिक दूध बने, अधिक से अधिक मीट का प्रोडक्शन हो। चिकन ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दें, यही हमारा उद्देश्य है। हम कई प्रकार के केमिकल्स, अल्कोहल, एसीटोन, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड इत्यादि का निर्माण सूक्ष्म जीवों की मदद से करते हैं। दही, अल्कोहल, चाय पत्तियों का प्रोसेसिंग, जूट फाइबर्स का विकास इत्यादि भी सूक्ष्म जीवों की मदद से करते हैं। और इनकी मदद से तरह तरह के एंटीबायोटिक्स, हार्मोन्स, ह्यूमन इंटरफेरॉन और कई प्रकार के अन्य
मेडिकली इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स इत्यादि का संश्लेषण करवाते हैं। यहाँ तक कि कुछ सूक्ष्म जीव मेटल्स को डिटेक्ट करने में मदद करते हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव प्लास्टिक जैसे सिंथेटिक मटेरियल को भी नष्ट करने में मदद करते हैं। तो एक बड़ा रेंज है बायोटेक्नोलॉजी का, जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जीवों का उपयोगिता बढ़ा सकते हैं। इनकी मदद से हम कई तरह का जेनेटिक डिजीज, जन्मजात डिजीज जो आनुवांशिक होता है, डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, दम्मा की बीमारी है, हीमोफीलिया है, सिकल सेल एनीमिया या थैलेसेमिया है, अल्जीमर है, स्किड है इत्यादि को भी नियंत्रित कर सकते हैं। तो आगे समय आने पर हम लोग कैसे अलग किया जाता है, यह सब टेक्नोलॉजी भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तत्काल कुछ एंजाइम्स जिनकी चर्चा मैंने अभी पहले भी किया, आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साथ भी पढ़ा, तो उन एंजाइम्स का एक लिस्ट दे रहे हैं जो बायोटेक्नोलॉजी में मॉलिक्यूलर टूल्स कहलाते हैं। हेलिकेज एंजाइम जो डीएनए को अनबाउंड करके डीएनए के दोनों धागों को सेपरेट करता है, टोपो आइसोमरेज टू या गायरेज जो दोनों धागों को फिर से लिपटा कर रिबाइंडिंग करके नॉर्मल डीएनए के रूप में बदलता है, सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन जो डीएनए के धागों के अलग होने के बाद फॉर्क की जगह पर दोबारा लिपट कर दोबारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर फिर लिपटने से रोकता है, प्राइमेज एंजाइम है जो कि छोटा सा आरएनए प्राइमर बनाता है, लेबोरेटरी में हम लोग एंजाइम की जगह पर रेडीमेड प्राइमर्स का यूज करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थ्री बैक्टीरिया में मुख्य एंजाइम है डीएनए निर्माण के लिए, डीएनए पॉलीमरेज वन जो किसी तरह का दोष रहने पर उसे ठीक करता है, एडिटिंग करता है, रिपेयरिंग करता है। लेकिन अब लेबोरेटरी में जब बैक्टीरिया के बॉडी के बाहर टेस्ट ट्यूब में डीएनए का निर्माण कराया जाता है, तो गर्म पानी के झरने में मिलने वाले एक बैक्टीरिया थर्मस एक्वेटिकस से प्राप्त टाक पॉलीमरेज एंजाइम का उपयोग किया जाता है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यह काफ़ी महत्वपूर्ण एंजाइम, जरूरी एंजाइम होता है। डीएनए लाइगेज है, टूटे हुए दो डीएनए के टुकड़ों को आपस में जोड़ता है, और डीएनए लाइगेज जब सुपर क्वाइल बन जाता है बैक्टीरियल सर्कुलर डीएनए में, तो सुपर क्वाइल की जगह पर एक धागे को तोड़कर दो डाउटर डीएनए को सेपरेट करता है। इसी तरह से रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, विशेष विशेष जगह पर डीएनए को तोड़ सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है जो मैसेंजर आरएनए से उल्टा ट्रांसक्रिप्शन कराकर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराकर डीएनए का धागा बना सकता है। अल्कलाइन फॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्रुप को अंतिम छोर 5' टर्मिनल से हटाता है, और इसके अलावे न्यूक्लियोटाइड टर्मिनल ट्रांसफरेज नाम के एंजाइम होते हैं जो डीएनए के टुकड़ों को एक छोर पर जोड़ने के काम में आते हैं। इन केमिकल्स के अलावे हमारे पास कुछ मैकेनिकल टेक्निक भी होना चाहिए, जैसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन और इलेक्ट्रोफोरेसिस। आप सभी जानते हैं क्लास 11 में फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि अगर कोई वृत्ताकार पथ पर कोई बॉडी घूम रहा हो, तो उस घूमते हुए बॉडी पर अंदर की ओर सेंटीपिटल फोर्स केंद्राभिसारी बल और बाहर या टेंजेंट की दिशा में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स केंद्रापसारी बल बनता है। इस बल का मात्रक है mv²/r। अब किसी लिक्विड मीडियम में कोई पार्टिकल तैर रहा हो, भारी भी हो, अपने डेंसिटी से वह अपने आप पानी सलाइन या किसी मीडियम में नीचे डूब सकता हो,
तो आप उसे अगर स्थिर छोड़ देंगे तो भारी चीज पहले, उससे हल्का बाद में, बहुत हल्का सबसे बाद में, धीरे धीरे खुद पेंदे में जाकर जमा होगा। तो इस क्रिया को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। लेकिन इसमें कई घंटे या कई दिन लग सकते हैं, तब भी यह निश्चय नहीं होता है कि 100% पार्टिकल सेडिमेंट में चले गए हैं, तलछट में चले गए हैं। अगर टेस्ट ट्यूब में लेकर उसे गोल गोल चक्कर देकर घुमाया जाए तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण वह टेस्ट ट्यूब के पेंदा की ओर तेजी से भागते हैं, यानी तुरंत सेडिमेंट में चले जाते हैं। तो सामान्यतः सेंट्रीफ्यूग मशीन का उपयोग, जैसे आपके घर में मिक्सी ग्राइंडर है, उसमें ब्लेड लगा हुआ है चीज़ों को पीसने, रगड़ने या काटने के लिए, और लेबोरेटरी में टेस्ट ट्यूब होल्डर लगा रहता है। तो 5,000-7,000 रोटेशन प्रति मिनट चलाने के लिए पावरफुल मोटर लगा रहता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में जब हम मशीन का यूज करेंगे तो उसका मिनिमम वेलोसिटी 10,000 रोटेशन पर मिनट है, या 20-30-50,000 भी हो सकता है। तो इस तरह की क्रिया को अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसके द्वारा हम विभिन्न पार्टिकल्स को अलग अलग कर सकते हैं, सॉल्यूशन से डीएनए, आरएनए या प्रोटीन को अलग अलग कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम राइबोसोम को भी अलग कर सकते हैं। तो कम से कम 10,000 रोटेशन पर मिनट देने पर हम उसे अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। यह देखिए एक अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मशीन है। यह भारी भरकम मशीन होता है, चूंकि हाई स्पीड में चलता है। यहाँ एक इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगा हुआ है, यहीं से हम रेगुलेट करते हैं स्पीड का। ये आप देख रहे हैं इस तरह का एक चैम्बर बना हुआ है। इस चैम्बर में एक इंक्लाइंड रोटर लगा हुआ है, इसमें 8 या 10 टेस्ट ट्यूब लगाने की व्यवस्था होती है। और चूंकि हाई स्पीड में यह चलेगा तो मोटर गर्म होकर जल सकता है, इसलिए इसके चारों ओर एक कूलिंग सिस्टम, पानी के बहाव का सिस्टम लगाया रहता है, जो इसमें बनने वाले हीट को एब्जॉर्ब करते रहता है। तो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम लोग मोलिकुलर सेपरेशन का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 प्रकार का पार्टिकल है पानी में। अगर मान लिया 3,000 से 4,000 रोटेशन प्रति मिनट हमने दिया तो सबसे भारी चीज चला आएगा पेंदा में। अब ऊपर का जो सुपर नेटेंट है उसको दूसरे ट्यूब में हम ले लिए। अब दूसरे ट्यूब को मान लिया 5,000-6,000 रोटेशन पर मिनट दिए तो फिर सेकेंड हाई मोलिकुलर वेट वाला पेंदा में चला गया। फिर ऊपर से सुपर नेटेंट हमने चौथे ट्यूब में ले लिया, फिर उसे 8-10,000 रोटेशन दिए तो तीसरा मोलिकुलर वेट अलग हो गया, और फिर अगले ट्यूब में हम 10-12,000-15,000 रोटेशन देंगे तो फिर सबसे छोटा बाहर आएगा। तो इस टेक्निक के द्वारा अलग अलग वेलोसिटी देकर हम अलग अलग मॉलिक्यूल को सेपरेट भी कर सकते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री लैब में, बायोटेक्नोलॉजी के लैब में इस तरह के ऑपरेटर्स की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अब इसी मशीन का एक दूसरा उपयोग है जिसे कहते हैं डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। अभी मैंने कहा कि तलछट के रूप में वही पदार्थ नीचे जमता है जिसका डेंसिटी पानी से या सलाइन सॉल्यूशन से अधिक हो। लेकिन अगर लिक्विड का, सॉल्वेंट का डेंसिटी और उसमें उपलाते हुए पदार्थ का डेंसिटी एक समान हो, तो आपने प्लवन का नियम, लॉ ऑफ बॉयंसी पढ़ा होगा, वो जहाँ का तहाँ लिक्विड में पड़ा रहेगा, वो सेडिमेंट में नहीं जाएगा। तो इस सिद्धांत को समझते हुए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन या सीजियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को अलग अलग डेंसिटी के ग्रेडियंट के रूप में, सबसे हाई डेंसिटी मान लिया 20 या 40%, नीचे बॉटम में रहेगा तो 0% सबसे ऊपर टॉप पर रहेगा। तो लगभग 10 मिलीलीटर अगर आपने सॉल्यूशन लिया
तो उसमें एक से लेकर के 20 तक का डेंसिटी ग्रेडियंट बन चुका है। अब उसमें हम मिक्सचर डालकर सेंट्रीफ्यूग मशीन में डाल देते हैं, तो जिसका हाई डेंसिटी होगा वह नीचे तक जाएगा, जिसका उससे कम डेंसिटी होगा वह बीच में रह जाएगा, जिसका बहुत कम डेंसिटी होगा वह और भी ऊपर रह जाएगा। चाहे हम 1 घंटा उसको सेंट्रीफ्यूग करें, 2 घंटा सेंट्रीफ्यूग करें, 5 घंटा सेंट्रीफ्यूग करें, सेंट्रीफ्यूग के स्पीड और टाइम पर यह निर्भर नहीं करेगा, यह अपने अपने पोजीशन पर आकर स्थिर हो जाएगा। तो आप अल्ट्रावायलेट लाइट की मदद से उन चीज़ों को अगर पहचान सकते हैं तो आपको वह बैंड के रूप में दिखाई पड़ेगा। फिर पिपेट की मदद से आप एक एक लेयर को निकाल सकते हैं, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में जमा कर सकते हैं। यहाँ इस फिगर में 40% तक सुक्रोज का जो चीनी आप खाते हैं वही सुक्रोज है, लेबोरेटरी में प्योर फॉर्म में तैयार किया हुआ मिलता है। तो इसका अलग अलग लेयर बनाया गया है, 5%, 10%, 15%, 20%, इस तरह 40% तक है। अब प्रोटीन के विभिन्न आकार के मॉलिक्यूल्स को ऊपर से डाल दिया गया और सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया। मान लिया कि 8 या 10 हज़ार रोटेशन पर मिनट देकर 1 घंटा तक छोड़ दिया गया, तो सबसे भारी कण नीचे आ जाएंगे, यहाँ एक बैंड बनाएंगे, उससे हल्का यहाँ आ जाएंगे और भी हल्का यहाँ आ जाएंगे। आप पिपेट की मदद से इन सभी लेयर को अलग अलग ट्यूब में जमा कर सकते हैं। तो इस टेक्निक की मदद से अलग अलग भार वाले डीएनए को भी अलग किया जाता है। अब तीसरा टेक्निक है इलेक्ट्रोफोरेसिस, यानी बिजली के करंट के द्वारा, बिजली की धारा के द्वारा चार्ज्ड मॉलिक्यूल को अलग अलग करने की क्रिया। आरएनए और डीएनए एसिड होने के कारण निगेटिवली चार्ज है, और सभी तरह के प्रोटीन को अगर हम 9 pH तक लेकर किसी सॉल्यूशन में डालते हैं तो वह भी निगेटिव चार्ज हो जाता है। अब अगर कैथोड के पास इसे रखें तो यह कैथोड से रिपेल होगा, विकर्षित होगा और एनोड की ओर मूव होगा। तो यह मूवमेंट लिक्विड मीडियम में नहीं किया जाएगा क्योंकि फिर उसे निकालना मुश्किल है। तो सबसे पहले सेलुलोज एसीटेट पेपर पर इस विधि को विकसित किया गया था, जिसे पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम दिया गया। प्रोटीन के सेपरेशन के लिए बाद में पॉलीएक्राइलामाइड जेल का उपयोग किया गया और डीएनए आरएनए के आइसोलेशन के लिए अगारो जेल का उपयोग किया जाता है। पॉलीएक्राइलामाइड जेल की मदद से मैंने अपने रिसर्च में प्रोटीन और आइसोएंजाइम का स्टडी किया था, लेकिन यह इतना लसलसा होता है और इसका पोर साइज इतना कम होता है कि इससे डीएनए आरएनए आगे नहीं बढ़ पाता है, उसमें उलझ जाता है, फिर उसका आइसोलेशन भी मुश्किल होता है। जबकि अगारोज स्टार्च की तरह जमने वाला पदार्थ है, सुखाने पर यह चूर चूर हो सकता है, इसके बीच पोर साइज बड़ा होता है, इसलिए डीएनए इससे आसानी से गुजर जाता है। तो इस तरह के जेल को अगर शीशे के ट्यूब में जमा किया जाए, उसमें छोटे छोटे बैंड के रूप में प्रोटीन और डीएनए का आइसोलेशन किया जाए, तो इसे डिस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, और शीशे के प्लेट पर अगर इसे बिछा कर जमाया जाए तो उसे स्लैब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है। यह देखिए पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस का एपरेटस है, यह 2 टब है जिसमें बफर सॉल्यूशन लिया जाता है, ऊपर कागज लिया जाता है। मान लिया इधर कैथोड लगा है और आपको प्रोटीन स्पॉट करना है, तो आप कैथोड की ओर इसे डालेंगे, यह कैथोड से एनोड की ओर मूव करेगा और इस तरह से अलग अलग स्पॉट या बैंड बनाएगा। यहाँ टेस्ट ट्यूब, यहाँ ग्लास ट्यूब लगाने की व्यवस्था है, आप गिन सकते हैं। इस केस में 5-5-10 ट्यूब आप लगाने का सिस्टम दिखाई पड़ रहा है आपको, तो 10 अलग अलग सैंपल आप एक साथ अलग अलग ट्यूब में रन करा सकते हैं। यहाँ देखिए एस्टरेज एंजाइम का कितना खूबसूरत बैंड बना है। ये सब सबसे जो छोटे भार वाले हैं नीचे आ रहे हैं और सबसे भारी भरकम ऊपर रह जाते हैं, तो इस तरह अपने भार और चार्ज के हिसाब से इनका आइसोलेशन होता है। इन्हें पहचानना बहुत आसान है,
यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मेथड है। इसी ट्यूब की जगह पर जब हम शीशा का प्लेट यूज करते हैं तो इस तरह का बैंड बनता है, और आप देखिए इस अगले फोटोग्राफ में कितना खूबसूरत बैंड बना है। ये विभिन्न प्रकार के प्रोटीन है जिनका मॉलिकुलर वेट बगल में लिखा हुआ है। तो इस तरह इन सारी चीज़ों के बेसिक नॉलेज को जितना ज़्यादा हो सके उतनी गहराई तक समझने के बाद ही हम आगे के टेक्निकल मैटर्स को अच्छी तरह समझ पाएंगे। तो इसलिए आपको विभिन्न एंजाइम्स का नाम याद रखना जरूरी है, कैसे डीएनए को आइसोलेट करेंगे, उन्हें टुकड़ों में काटेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से अलग अलग करेंगे, इन सब विधियों की चर्चा बार बार होगी, रिपीट होगी, रिवीजन होता रहेगा और आपको समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन शर्त यही है कि आपको लगातार पढ़ने की कोशिश करना होगा, चीज़ों को समझने की कोशिश करना होगा। तो इसके बाद हम लोग अलग अलग एस्पेक्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।